सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। फिल कॉलोनी सेक्टर 43 में होने वाली है, बी ब्लॉक में। और आज मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। 250 गज में प्रॉपर्टी बनी हुई है, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो। काफी अच्छा और एकदम मस्त एलिवेशन लग रहा है। और मिरर की ग्रिल का यूज किया हुआ है। दो गेट मिल जाते हैं आपको एंट्रेंस के। और आप आसपास पूरी बसावट देख सकते हो, सभी जगह लोग रह रहे हैं। आसपास पूरी बसावट है। ये सामने प्लॉट खाली भी है एक, और यहाँ पे भी पूरी बसावट है। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। और ये अंदर चलते ही सबसे पहले ही पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेपरेट सेपरेट टैंक आ जाते हैं, जो कि आपको 3,000 लीटर के टैंक मिलते हैं। सामने आपको मोटर लगी हुई मिल जाती है। 3 फैमिली इसमें शिफ्टेड है और एक सिर्फ अपर ग्राउंड फ्लोर खाली है, जो कि इसमें आपको जो मिलेगा। और ये पूरी स्टिल पार्किंग रहेगी, ये आप देख सकते हो, काफी स्पेशियस है। और इधर आगे चल के आपको सर्वेंट रूम मिल जाते हैं। एक इधर है, एक इसके जस्ट सामने, एक ये है और एक ये है। पीछे इनका वॉशरूम बना हुआ है, जो कि कॉमन वॉशरूम रहेगा। और चार आपको सेपरेट सेपरेट सर्वेंट रूम भी मिलते हैं। ये आपकी लिफ्ट आ जाती है, जो कि ऑपरेशनल है, ये आप देख सकते हो, पूरी ऑपरेशनल है। और ये हमारी स्टेयर्स आ जाती है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो आइए चले चलते हैं ऊपर। मैं इसके अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हो, काफी चौड़ा और एकदम ऊंची हाइट का आपको एंट्रेंस मिलता है। आपको 7-8 फीट की इसकी हाइट मिलती है। ये कुछ हमारा पूरा एंट्रेंस रहेगा, मेन एंट्रेंस घर का। इधर हमें लिफ्ट आ जाती है, जो कि आपको ऊपर लेके आएगी। तो गाइज अब मैं ये अंदर जा रहा हूँ, जो ये मैं गेट खोल रहा हूँ, ये हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा फ्लैट का। ये आप देख सकते हो, काफी बड़ा आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इधर आपको टीवी पैनल भी लग के मिलता है, जो कि टीवी पैनल यूजुअली बिल्डर बना के नहीं देते हैं। काफी अच्छा टीवी पैनल बनाया हुआ है। आप इस एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी। और इधर डाइनिंग एरिया में भी इन्होंने फॉल सीलिंग की हुई है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। एकदम सेपरेट सेपरेट आपके दोनों स्पेस हो जाते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस था, ये मैं बंद कर देता हूँ। सो अब मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। ये देखिए, आप इसका रूम साइज चेक कर सकते हो, काफी स्पेसियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और इधर आपको विंडो मिल जाती है, इधर आपको वॉशरूम मिल जाता है विद वैनिटी के साथ। और ये आपको स्लाइडिंग अलमीरा मिल जाती है। और आप इस एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी, जैसी आप देख रहे हो। काफी अच्छी और एकदम शानदार की हुई है। और इधर आपको वॉशरूम मिल जाता है, वॉशरूम में सारी सैनिटरी फिटिंग की हुई है, ये आप देख सकते हो, वैनिटी वगैरह सारी चीजें लगाई हुई थी। इस रूम के साथ आपको ये बालकनी मिल जाती है, क्योंकि ये बालकनी का गेट है। और विंडो मिल जाता है, जो कि बैक साइड की बालकनी रहेगी, मैं आपको बगल वाले रूम के साथ दिखाऊंगा। तो आइए अब मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ। ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, काफी स्पेसियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी, जैसी आप देख रहे हो। और सामने आपको कबर्ड्स मिल जाती है, और इधर आपको विंडो मिल जाती है, जिसमें आप विंडो इंच लगा सकते हो। और यहाँ से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। ये हमारी रनिंग बालकनी रहेगी, ये इस एरिया से भी कनेक्टेड है और इस एरिया से भी, इस रूम से भी कनेक्टेड है। तो आपको ये प्रॉपर रनिंग बालकनी मिल जाती है, जो कि काफी स्पेसियस है। इधर आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, और ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम भी आपको मिलता है, जिसे आप एज अ गेस्ट पर्पज यूज कर सकते हो। ये आपका वॉशरूम आ जाता है, जिसमें आपको ऑल सैनिटरी फिटिंग होके मिलेगी। और इधर हमारी ये किचन आ जाती है, किचन में आपको ये पार्टीशन मिल जाता है, और ये आपको पेंट्री का स्पेस मिल जाता है। ये देखिए, काफी अच्छी लग रही है, ये भी आपको स्पेस मिल जाता है। स्टोरेज आपको बतेरा मिल जाता है, और पूरे सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, ये आप देख सकते हो। सामने आपको विंडो मिल जाती है डबल सिंक के साथ, ये आपका चिमनी एंड हॉब का कनेक्शन आ जाता है। सामने आपको विंडो है, जिसे आप वेंटिलेशन के पर्पज से यूज करोगे। किचन में भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। और किचन के जस्ट बगल में हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, जो कि मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखा रहा हूँ, जिस रूम में मैं एंटर हो रहा हूँ। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, ये आप देख सकते हो, इसका रूम साइज काफी स्पेशियस आपको रूम मिल जाता है। या आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी, जैसे आप देख रहे हो। और सामने आपको कबर्ड्स मिल जाती है, ये कबर्ड का स्पेस मिल जाता है। और ये हमारा विद अटैच वॉशरूम आ जाता है, जो कि वॉशरूम में आपको सैनिटरी फिटिंग होके मिलेंगी। रूम से आपको बालकनी का एक्सेस में मिलता है, जो कि फ्रंट साइड फेसिंग में रहेगा,
ये आप देख सकते हो काफी बड़ी और एकदम रनिंग बालकनी आपको मिल जाती है यहाँ तक, और इधर भी आपको टैप और ड्रेनेज का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे भी आप अपना एज अ वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हो। सामने आप देख सकते हो पूरी बसावट है, और वो जो सामने है वो टाइम स्क्वायर के नाम से वो कमर्शियल है, सामने आपको नियर बाय कमर्शियल मिल जाता है और आसपास पूरी बसावट है। बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ, ये हमारा फोर्थ बेडरूम रहेगा। ये आप देख सकते हो इसका रूम साइज, काफी स्पेशियस आपको रूम मिल जाता है। आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग देखो आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो, काफी अच्छी की हुई है। और इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, नहीं अटैच मतलब कॉमन ही है, जो कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड था, आप देख रहे हो ये वाला गेट भी खुला हुआ है और इस रूम से भी कनेक्टेड है, तो आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। इधर आपको विंडो मिल जाती है जिसे आप एज अ वेंटिलेशन के पर्पज से यूज करोगे या फिर विंडो एसी लगा सकते हो। इसे मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है जो कि 250 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, 4 BHK, 3 टॉयलेट बना हुआ है, 3rd वॉशरूम जो है वो कॉमन दिया हुआ है, और काफी स्पेशियस और एकदम खुला घर है। इसमें खाली आपको जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया अपर ग्राउंड फ्लोर वही अवेलेबल है, वही मिलता है, और इसकी जो डिमांड है वो आती है 1,20,00,000 रुपए। कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और ये सेक्टर 43 के बी ब्लॉक में ये पड़ता है, ग्रीनफील्ड कॉलोनी के बी ब्लॉक में, जो कि बी ब्लॉक सबसे ज्यादा बसावट वाली जगह है सेक्टर 43 का और ग्रीनफील्ड की। जो गाइज ये मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया है, अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।